आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो अब आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, कब प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आएगा, यानी कि सत्र 2022 और 23 के विद्यार्थी जो अपना दाखिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं, अब थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो गई है। फॉर्म इनका अब आ चुका है, 6 अप्रैल को CUET की वेबसाइट पर आपका फॉर्म आ जाएगा, यानी कि अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी शामिल है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि सारे विश्वविद्यालयों का एक कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट हो रहा है। इसमें आपको पहले ये करना होगा कि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो विकल्प के तौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आप ज़रूर फिलअप करिएगा, क्योंकि आपका टेस्ट हो जाएगा, आप परीक्षा दे देंगे एक साथ सारे विश्वविद्यालयों की। फिर काउंसलिंग का प्रोसेस आता है, काउंसलिंग के प्रोसेस में आपने जिन जिन विश्वविद्यालयों को प्रायोरिटी दी है आप उसी विश्वविद्यालय में अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के पहले हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उसके बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिनका EWS में कोटा है तो वो EWS का भी फॉर्म भरें, स्पोर्ट कोटा का भी फॉर्म भरें। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट ये है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो है 6 अप्रैल को आ चुका है। UGC जो कि CUET का एंट्रेंस करवा रही है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है 6 अप्रैल पर। आप वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कंडीशन ज़रूरी ये है कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो ऑप्शन है वो भरना होगा, तभी बाद में आप इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाद में अगर आप शुरुआत में ही गलती कर देंगे फिर आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। यही सूचना थी आपके लिए, यही जानकारी थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म आ चुका है, 6 अप्रैल को CUET की वेबसाइट पर आपका फॉर्म आ जाएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि अब आप सब नए छात्र हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बैच भी आगे चलेगी, साथ ही साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।